हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका फिर से आपके अपने YouTube परिवार MNC क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जूलॉजी ऑनर्स पेपर 4 100% जो प्रश्न हम आपको आज बताने वाले हैं इस वीडियो में, वही प्रश्न आज आपके एग्जाम में छपने वाली है। तो आप चाहे तो इसका आंसर को आज समझ सकते हैं, हम पूरा आंसर भी आपको बताने वाले हैं। जो भी चीज़ आप सुन लेंगे 100% जाकर के एग्जाम में वो छाप पाएंगे आप। जैसे ही हमने आपको पेपर 3 बता दिए, पेपर 3 के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिया गया था, उसी प्रकार हम आपको पेपर 4 बताने वाले हैं। तो पेपर 4 का ऑल प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर हम पहले देख लें परीक्षा से, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो को आगे भी शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि आगे भी आपको ऑनर्स के बाद सब्सिडी सब्जेक्ट का भी क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाए आसानी से। तो चलिए, अब बिना देर किए सीधे क्वेश्चंस पे आएंगे। तो क्वेश्चंस की पहले बात करते, देखिए आप लोग अगर इस पे जा रहे होंगे तो इस पर बिल्कुल आपको नहीं जाना है, ये जो भी है दिया हुआ उससे मतलब नहीं है। हम आपको क्वेश्चंस जो बताने, पहला जो क्वेश्चंस हम आपको बताने जा रहे हैं, व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं पीरियड्स कहते हैं या फिर मासिक चक्र कहते हैं, तो ये क्या होता है। तो सिंपल बात है, हमको इंग्लिश में आंसर देना होता है। इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ आंसर्स हमने बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझा दिए, बहुत ही सटीक लैंग्वेज है। द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द सीरीज ऑफ चेंज अ वुमेन्स बॉडी गोज थ्रू टू प्रिपेयर फॉर अ प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी के लिए, गर्भवती होने के लिए प्रिपेयर करते हैं, महिला को तैयार करते हैं। उनके शरीर में एक बेहतर चेंजिंग होता है, एक चेंजिंग का क्या होता है, एक सीरीज होता है, एक सीरियल वाइज सीरियल चेंजिंग होता है, जिसमें क्या होता है महिला के गर्भाशय में यानी फिलोपियन ट्यूब में से पहले जो होता है वहाँ अंड होता है, ओवा होता है, वहाँ पे एक अंड का निर्माण होता है जो फिलोपियन ट्यूब में आते हैं 14वें दिन, और वहाँ पे जो है स्पर्म के मिलने से वो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फिर जाकर वोमेन क्या हो जाती है, प्रेगनेंट हो जाती है, यानी वो गर्भवती हो जाती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एक ये चक्र है, ठीक है। द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द सीरीज ऑफ चेंज ऑफ वुमेन्स बॉडी गोज टू थ्रू टू प्रिपेयर फॉर अ प्रेगनेंसी। ये पहली बात आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक को नोट करना है। दूसरा है, अबाउट ऑन द मंथ द यूटेरस ग्रो ए न्यू लाइनिंग इंडोमेट्रियम टू गेट रेडी फॉर अ फर्टिलाइजेशन एग, यानी निषेचित अंड का जो निर्माण होता है महिला के योनि में जो है एक महीने के बाद एक बहुत विकसित होता है अंडा, जो फर्टिलाइजेशन के लिए वो तैयार होता है, रेडी होता है। कब, लेकिन जब वो स्पर्म से नहीं मिलेंगे तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे, यानी उसको शुक्राणु वगैरह नहीं मिलता है, तो वो स्पर्म जो है वो अनफर्टिलाइजेशन हो जाता है और वो फिर पीरियड्स के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। ये सिंपल बात है, आप हिंदी में भी आंसर लिख सकते हैं। थर्ड लाइन है, व्हेन देयर इज नॉट फर्टिलाइज्ड ईग टू स्टार्ट अ प्रेगनेंसी द यूटेरस शेड्स इट्स लाइनिंग। अब क्या होता है, व्हेन देयर इज नॉट फर्टिलाइज्ड ईग, अगर जो अंडा फर्टिलाइज हो जाते हैं, स्टार्टिंग हुआ प्रेगनेंसी का जो है स्टार्टिंग हो जाता है, यानी वो महिला प्रेगनेंट हो गई है, अब वो अंडा जो है 1 मंथ के एवरेज में वो फिर कहाँ पर वो एक ओवा जो है वो भ्रूण का निर्माण करते हैं, शेक का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। अब उसे क्या करते हैं, फिर से वो यूटेरस में चला जाते हैं, जहाँ पे उसका क्या होता है, सेट्स इट्स लाइनिंग, उनका विकास और डेवलप होता है, फिर वहाँ से वो चाइल्ड बनते हैं, शिशु बेबी बन जाते हैं, और 9 मंथ बाद वो माँ के गर्भ से बाहर आ जाते हैं। इस तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इस प्रकार का टर्म है। ये तीन पॉइंट हमने आपको बताया जो कि इंपॉर्टेंट है, 100% आपके एग्जाम में आने वाली है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जरूरी नहीं है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल करके ही क्वेश्चन पूछेगा, वहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा बदल के पूछा जाएगा, बट क्वेश्चन सेम होगा। तो यहाँ पर भी उसका कुछ जो है डायग्राम है, तो आप लोग डायग्राम बनाने का पूरा प्रयास करें, डायग्राम पर ही नंबर आपको मिलती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का यहाँ पे नोट्स है जो हम आपको ग्रुप में देने वाले हैं, तो आप लोग ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आगे बढ़ते, देखिए ओवेरियन साइकिल है, तो अलग करके आपको इस पर नोट्स लिखने को बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फर्टिलाइजेशन ऑफ मैमल्स, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। देखिए फर्टिलाइजेशन एंड मैमल्स, यानी मैमल्स में जो फर्टिलाइजेशन के कौन कौन सा प्रोसेस होता है, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे आपको बता दिए हैं। इंट्रोडक्शन में है, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज एन इनवेटेबल ऑन्स एज इज द मैन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू प्रोक्रिएटिंग द ऑटोकॉम्स
ऑफ फर्टिलाइजर आर द ऑफ एस्प्रिंग हु ग्रो अप एंड रिपीट द प्रोसेस दस कमिंग अप विथ अदर ऑफ स्प्रिंग। तो इस प्रकार से यहाँ पे कुछ परिचय दिए हैं, आप परिचय इसको देख लेना है। अगर आप चोरी करने में सक्षम है कर लेते हैं तो जो क्वेश्चन हम आगे आपको टिक करके दिए हुए वो भी हम आपको बता देंगे ताकि आप अपने हिसाब से आप देख लेंगे, ठीक है। बाकी कम समय में हमारे पास ये पेपर आ ही पाता है तो फिर हम आपको बताते हैं। 100% आपके एग्जाम में आ चुकी है क्वेश्चन। मीन मीडियन मोड जिसको हिंदी में माध्यक बहुलक के नाम से जानते हैं, ये क्वेश्चन फिजियोलॉजी पेपर में पूछा जाएगा पेपर 4 में। तो यहाँ पर अच्छी तरह समझाया गया मीन मीडियन एंड मोड इन मैथ्स आर एवरेज मीन, मतलब मैथ का एक औसत है, ठीक है। फाइंड द टोटल ऑफ द वैल्यू एंड डिवाइड द टोटल बाय द नंबर ऑफ वैल्यू। तो इस ऐसा करने से आपको मीन निकल जाता है, ठीक है, मीन निकल जाता है यानी माध्य निकल जाता है। मीडियन का क्या होता है, अरेंज द वैल्यू इन न्यूमेरिकल ऑर्डर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वैल्यू टू द हाईएस्ट वैल्यू एंड फाइंड द मिडिल वैल्यू। मतलब क्या है, यहाँ पर छोटा मान और बड़ा मान और फाइंड करना है, इससे आपको खोजना पड़ता है कि मिडिल कौन है, यानी आपको अवरोही क्रम में सजा करके आपको मिडिल वैल्यू यानी बीच का उसका अंक खोजना पड़ता है, इससे ही हमको मीडियन कहते हैं इसी को। मोड की बात करते हैं जिसको बहुलक के नाम से जानते हैं। फाइंड द मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग आइटम इन द डाटा सेट। इस डाटा सेट में जो है फ्रीक्वेंटली जो है कई जो बार बार कौन जो है रिपीट हुआ है, तो वो जो रिपीट होता है बार बार जो संख्या आते हैं नंबर आते हैं वो आपका मोड हो जाते हैं। इस तरह से आपको हमने ये भी शॉर्टकट में समझा दिया मीन मीडियन मोड, इसके बारे में यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिए। पीडीएफ हम ग्रुप में भेज देते हैं, फटाफट आप लोग ग्रुप ज्वाइन हो जाइए। स्टैंडर्ड एरर्स क्या होता है, देखिए ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में, स्टैंडर्ड एरर्स क्या है, तो स्टैंडर्ड एरर्स क्या है, द स्टैंडर्ड एरर्स जिसको हम एसई के नाम से जानते हैं, एसई का मतलब होता है स्टैंडर्ड एरर्स होता है, इसको हम लोग जानते हैं। इज द स्टैंडर्ड डिवाइजन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ अ स्टैटिस्टिकल मीन, ये भी माध्य से ही जुड़ा हुआ है, तो इसका भी आंसर यहाँ पर है। तो आपको स्टैंडर्ड एरर को थोड़ा देख लेना है, अच्छी तरह समझ लेना है। फिर एप्लीकेशन फॉर बायो स्टैटिक्स, इस पर आपको साइकोलॉजी एंड एंटोनॉमी, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हम ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम इसमें टिक कर देंगे आपको, जिससे आप अगर चोरी करने में कंफर्टेबल हैं तो आप ये चिट लेके जा सकते हैं। बाकी समय नहीं है जो हम आपको सारे क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ एडल्ट मैमलियन ओवरी, यानी पहले हम जो क्वेश्चन आपको बताए थे मैमल्स के ओवरी का फंक्शन बताए थे, वही चीज़ आपको कह रहा है करने के लिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर तो आपको बता ही दिए हैं, ठीक है, कैसे करना है। तो इस प्रकार से मैमल्स को ओवरी का फंक्शन लिखना है, क्या कार्य होता है वो आपको लिखना है, अपने मन से भी कुछ बातें को लिख देना है। इसी क्वेश्चन को आपको इस भाषा में पूछेगा एनाटॉमी ऑफ मैमलियन ओवरी, ये क्वेश्चन सेम है, आंसर भी सेम हो जाएगा इसका। व्हाट इज द मेंस्ट्रुएशन, देखिए यहाँ पर है मेंस्ट्रुएशन, दो नंबर क्वेश्चन देखिए कई तरह से है क्वेश्चन, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड हार्मोनल रेगुलेशन पूछ देगा, या फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल पूछ देगा, या मेंस्ट्रुएशन पूछ देगा, या मेंस्ट्रुअल साइकिल पूछ देगा, सारा प्रश्न एक ही है लेकिन आंसर इसका सेम होगा और प्रश्न थोड़ा लग रहा है देखने में अलग है। तो पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में आने वाले हैं। फिर आपको नोट्स लिखना है, नोट्स में आपको ओस्टेरस साइकिल पर लिखना है, जो कि इसी से मैमल से साइकिल के बारे में अगर लिख देंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में तो आपको यहाँ पर ओस्टेरस साइकिल भी हो जाएगा यहाँ, ठीक है। मेनोपॉज ये भी पूछा गया है कभी कभी, क्वेश्चन को भी देख लेना है, हालांकि क्वेश्चन पेपर में हम नहीं देख पाए हैं इसको। कॉपर्स लिथियम तो 100% आपके एग्जाम में आ चुकी है, दिक्कत नहीं है। कंट्रोल ऑफ कॉपर्स लिथियम को आपको ध्यान से रखना है, फिगर भी बनाना है, कॉपर्स लिथियम ध्यान रखेंगे पूछा जाएगा, प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुकी है कॉपर्स लिथियम, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न जो है यहाँ पे आपका नीचे भी कुछ क्वेश्चंस पेपर है, इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस आया है लेकिन हमें पर टिक करके नहीं भेजा गया जिससे हम आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन यहाँ से आपको ध्यान रखना है एस्पर्म का आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा, ठीक है। एस्पर्म में आपको फीमेल किसी का बना सकते हैं, मेल फीमेल किसी का, तो मेल का ही ज़्यादातर ध्यान रखेगा आप लोग, ठीक है, या फिर बायोकेमिस्ट्री ऑफ सीमेन तो ज़्यादा एस्पर्म रखेगा। और यहाँ पर जो है ये तीनों पर नोट्स जो है बोला जा सकता है, सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजेशन ओवम आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, इस पर आपको आगे बढ़ लेते हैं। फर्टिलाइजेशन तो आपको देखिए एक क्वेश्चन भी याद करेंगे तो कई क्वेश्चन आपका बन जाता है,
जरूरी नहीं है सबको याद करना ही है। प्लेसेंटा एस्पर्मेटोजेनेसिस, ये तो फिक्स है, एस्पर्मेटोजेनेसिस फिक्स है, आपके एग्जाम में आ चुकी है, क्वेश्चन छप चुकी है, वैसे देख लेना है क्या आता है या नहीं आता है। ये सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको टिक करके दे रहे हैं जो कि एग्जाम में आने वाली है। फिर आपको मीन मिनियर मोड आपको देख ही लेना है, स्टैंडर्ड एरर्स आपको देखना है, प्रोबेबिलिटी आपको चेक कर लेना है एक बार। इन सबको आपको क्या करना है, टिक करके रख लेना है कि इतने पेज में है, हमें एग्जाम में अगर छूट मिलती है तो हम बुक में से फाड़ के लिख सकते हैं, तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। बाकी हम विशेष कुछ आप लोगों को सेवा नहीं दे पा रहे हैं, इसके लिए हमें खेद है। बट यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए राधे राधे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, भगवान करे आपका परीक्षा सुपर से भी ऊपर जाए। धन्यवाद।